गाइस वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी फुल आर्म वर्कआउट पे, जिसमें हम ट्राइसेप और बाइसेप दोनों कवर करेंगे। सो इस वर्कआउट के साथ आपको इनसेन पंप मिलेगा। आप भी ये वर्कआउट ट्राई कर सकते हो। बेसिक लेवल बिगिनर्स के लिए भी है, एडवांस वाले भी कर सकते हैं। एडवांस वाले थोड़े रेपिटेशंस और सेट बढ़ा दें, और बिगिनर्स तो जैसे मैंने लगाए हैं वैसे लगा सकते हैं। इनसेन पंप आएगा। अब आपको डायरेक्ट मिलते हैं जिम में। गाइस मैं पहली एक्सरसाइज कल क्रशर लगाने लगा हूँ ट्राइसेप के लिए। सो अब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, आप देखो। आपने जो देखा अभी मैंने स्कल क्रशर लगाए हैं। स्कल क्रशर के हम 3 सेट लगाएंगे आज। वैसे भी मैं अकेला हूँ, सो अभी मैं जल्दी जल्दी लगाऊंगा। अभी स्कल क्रशर के 3 सेट लगाने के बाद फिर मैं आपसे आके मिलता हूँ। ओके, तब तक आप वीडियो एंजॉय करो। गाइज मैंने स्कल क्रशर के 3 सेट लगा लिए हैं। पहला लगाया था हमने 10 किलो से, फिर हमने 5-5 बढ़ा दिया, हो गया 20। उसके बाद 5-5 और बढ़ाया था, हो गया 30। तो 30 किलो से लास्ट सेट लगाया और 9 के 10 रैप लगाए हैं, वो आपको वीडियो में पता लग जाएगा। अब हम लगाने जा रहे हैं ट्राइसेप एक्सटेंशन। सो अब उसके भी 3 सेट लगाएंगे, उसके बाद मिलेंगे। अभी मैंने ट्राइसेप एक्सटेंशन का 2 सेट लगाया। ऑलमोस्ट सारी प्लेटें डाल दी थी, लास्ट की 4 या 5 प्लेटें बची थी, अभी वो भी डाल देंगे लास्ट सेट में। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो लास्ट की सिर्फ 5 प्लेटें रहती हैं। सो अभी हम अगले सेट में ये भी डाल देंगे। पंप चेक करो। शर्ट के अंदर भी अगर आप ध्यान से देखोगे आपको पता लग जाएगा पंप का। अभी मैं लास्ट सेट लगा रहा हूँ अपना। आपको दिखाता हूँ कैसे लगते हैं वो। मेरे ट्राइसेप एक्सटेंशन के 3 सेट हो गए,
लास्ट वाला मैंने ड्रॉप लिया था क्योंकि उसके मेरे जो हैवी सेट था उसमें मेरे से 4 लगे थे, तो मैंने ड्रॉप करके उसके पूरे 10 लगाए हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ ट्राइसेप डंबल और प्रेस जो होती है वो लगाने। सो अब देखो उसके भी हम 3 सेट लगाएंगे, ये मेरी तीसरी एक्सरसाइज है। Thank you.